भारत और कनाडा के बीच तनाव ने यह साबित कर दिया है कि पश्चिमी देश बहुत बड़े वाले हिपोक्रेट हैं। पश्चिम के देश चाहते हैं कि जिसे वह आतंकी माने दुनिया भी उसे आतंकी ही कहे, लेकिन अगर कोई दूसरा देश आतंकियों की पहचान अपने हिसाब से करे तो ये इन्हें हजम नहीं होने वाला। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों को यह बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई और भी देश उनके सामने खड़ा हो, लेकिन भारत इन्हें जवाब देने के लिए अकेला ही काफी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि भारत के खुफिया एजेंट्स ने कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर को मारा है। ट्रूडो के लिए भले ही निज्जर एक कनाडा का नागरिक हो, लेकिन भारत के लिए वह मोस्ट वांटेड आतंकी था। कनाडा के आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। हम भी भारत के इस बयान को ही मानते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कनाडा के आरोपों को सही ही माने तो आखिर भारत ने गलत ही क्या किया? भारत के खिलाफ वह आतंक फैलाता था, पंजाब में आतंक को फंडिंग, आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग देता और भारत में टारगेट किलिंग कराता। कनाडा में निज्जर कोई शरणार्थी बनकर नहीं गया था, बल्कि वह अवैध पासपोर्ट के जरिए कनाडा पहुंचा था। कनाडा ने उसे शरण दे रखी थी क्योंकि उन्हें ऐसा करने में मजा आता है। कनाडा सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के दुश्मनों को भी पाल रहा है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के मुख्य हत्यारे नूर चौधरी को भी कनाडा ने अपने यहां बसा रखा है। 15 अगस्त 1975 को सेना के बागी अफसरों ने सुबह सुबह ढाका में राष्ट्रपति आवास पर धावा बोला और जो भी सामने आया उसे गोली मार दी। राष्ट्रपति मुजीब पर जिन लोगों ने गोली चलाई उनमें नूर चौधरी भी था। बांग्लादेश कई बार उसे वापस भेजने को कह चुका है, लेकिन कनाडा ने आज तक उसकी एक न सुनी। कनाडा कहता है कि उसका कानून प्रत्यर्पण की इजाजत नहीं देता, खासकर उस देश में जहां फांसी की सजा का प्रावधान हो। लेकिन जब अमेरिका ने अलकायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में मारा था, तब यही ट्रूडो गदगद हो गए थे। ट्रूडो ने 2 अगस्त 2022 को किए गए ट्वीट में लिखा था कि अयमान अल जवाहिरी की मौत सुरक्षित दुनिया की ओर एक कदम है। तब क्या इन्हें ह्यूमन राइट्स की याद नहीं आई थी? उस पर यह सिर्फ इसीलिए खुशी मना रहे थे क्योंकि अमेरिका अल जवाहिरी को एक आतंकी मानता था। इनकी हिपोक्रेसी यहीं नहीं खत्म होती। आज के समय जब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू हिंदुओं को धमकी देता है, तब भी ट्रूडो शांत है। पश्चिम की अगर कोई और हिपोक्रेसी आपको पता हो तो कमेंट में जरूर लिखिए।